जनपद में एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से भाग लिया और रक्तदान किया, जिसके संबंध में संस्थान की संस्थापक सीमा छापड़िया ने बताया कि रक्त हम लोग खरीद नहीं सकते, रक्त देने से ही रक्त मिलता है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करते हैं कि रक्तदान करें और यह शिविर साल में दो बार लगाते हैं और लोग अपनी स्वेच्छा से आकर रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रक्तदान नहीं करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि रक्तदान से कमजोरी होती है, जबकि रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। एक व्यक्ति के रक्त से 3 लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है और 30 दिन में रक्त भी बन जाता है। इस अवसर पर जीडीए के सचिव उदय प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान की संस्थापक सीमा छापड़िया ने कहा, तैयार बैठे हैं। मैं एक नहीं आशा की फाउंडर सीमा छापड़िया। हमारा उद्देश्य ये है कि ब्लड हम खरीद नहीं सकते, ब्लड देने पे ही हमें मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करें और हम साल में एक कभी कभी दो बार भी इसका शिविर लगाते हैं। कितने लोगों का लक्ष्य? हमारा लक्ष्य 101 का है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य पूरा करेंगे और 100 से ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट भी कर दिया है और हम बहुत उत्साहित हैं। पूरा माहौल बना हुआ है और बहुत अच्छे से ये शिविर चल रहा है।